हाय एवरीवन, आई एम दीपांशी सेठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बारे में। सो गाइस, सेक्शन 1 तो हर एक्ट की तरह यहाँ पर भी यही बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, और यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बताता है कि दिस एक्ट में बी नोन एज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया पर अप्लाई होता है। बट इस सेक्शन के अंदर जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एक्ट जो है बेसिकली ये एक्ट आया था ऑर्डिनेंस के थ्रू 25 जनवरी 1996 को, और बाद ने उसी ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट करके एक्ट बना दिया गया था 22 अगस्त 1996 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि एज हमने ऑर्डिनेंस को ही एक्ट में कन्वर्ट किया है और उसी को कंटिन्यूएशन में रखा है, तो इसलिए हम यही मानेंगे कि ये जो एक्ट है ये कमेंस हुआ है 25 जनवरी 1996 को। सो दिस कैन बी आज इन प्री एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2, जो कि बात करता है डेफिनेशंस की। सो गाइस, डेफिनेशन में मेनली हम 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड आर्बिट्रल अवार्ड। सो गाइस, अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो इन तीनों ही डेफिनेशंस का कोई एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक लीगल लैंग्वेज में डिस्कस किया गया है। बट वी हैव सो मेनी जजमेंट जो कि इनका मतलब समझाती हैं। सो इन द जजमेंट ऑफ कोलिन वर्सेस कोलिन, इस जजमेंट के अंदर हमें कोर्ट ने मतलब समझाया था आर्बिट्रेशन का। कोर्ट ने ये कहा कि जब भी पार्टीज कोई अग्रीमेंट करती हैं या फिर आपस में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसके अंदर वो ये क्लॉज डालते हैं कि जब भी अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हम किसी प्राइवेट पर्सन के पास जाएंगे, तो यही होता है हमारा आर्बिट्रेशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपना वर्डिक्ट देते हुए ये कहा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बेसिकली क्या है, जब पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसके अंदर ये क्लॉज डालती हैं कि अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम किसी भी कोर्ट ना जाके बल्कि एक प्राइवेट पर्सन के पास जाएंगे, तो इसी अग्रीमेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है दो डिफरेंट अग्रीमेंट में भी हो सकता है, और वी कैन से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है। जैसे कि सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया बट उसके अंदर आपने कोई भी आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं डाला, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि इसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना चाहिए था और आपने एक अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाला, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट द कंडीशन इज़ कि यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए और दोनों ही पार्टीज़ के साइन भी होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जजमेंट आई एनकॉन बिल्डर्स की। एनकॉन बिल्डर्स की जजमेंट के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि पार्टीज़ का इंटेंशन होना ज़रूरी है। अगर पार्टीज़ के अग्रीमेंट में इंटेंशन दिख रही है कि दोनों ही पार्टीज़ रेडी हैं आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड इशू होगा उसके डिसीजन से खुद को बाउंड करने के लिए वो रेडी हैं, तो वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट माना जाएगा, प्लस दोनों ही पार्टीज़ का कंसेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जजमेंट आई वेलिंगटन एसोसिएट वर्सेस किरित मेहता। इस जजमेंट के अंदर हमारे पास इशू ये था कि इस जजमेंट के अंदर जो पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट था उस अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टीज़ के बीच में तो पार्टीज़ मे रेफर टू आर्बिट्रेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पर इस जजमेंट में ये कहा कि एज यहाँ पर वर्ड मे यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पार्टीज़ की कोई एक कॉन्क्रीट इंटेंशन नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा दैट दिस अग्रीमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सो गाइज, जब भी आप कोई अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। मे, शैल, कैन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वाइल ड्राफ्टिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, विल सी यू सून, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।